अभी पढ़ने के लिए हमें जग रहा है, जा रहे हैं इस तरह से बैग वगैरह टांग के। कहा भाई भूकंप की फील लेते थे हम रात को। इधर देख सकते पूरा नाला है, इधर पूरी घरे हैं। सामने की तरफ अगर एक बंदा आप देख रहे होंगे दोस्तों, अभी वो नाले के जस्ट एकदम किनारे खड़ा है और इस कचरे में से ना तो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। कहा भाई जब इधर से ट्रेन गुजरती है ना तो घर ऐसे ऐसे हिलती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी निकल पड़ा हूँ फिर से कुरजा के दोस्तों उस इलाके में जहाँ पे दोस्तों ट्रेनों के पटरियों के किनारे जिंदगियाँ बसती हैं। मैं हूँ और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं सुविधा देख रहे हैं ना, ये दोस्तों गवर्नमेंट का शौचालय होता है। और यहाँ की एक खास बात मैं बताऊँगा आपको, वैसे ये बताने वाली बात क्या है लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये एशिया का सबसे बड़ा शौचालय दोस्तों यहाँ पे खुला हुआ है सुविधा के नाम से, जो कि धारावी में है। और भाई यहाँ की एक खास बात और है ना, यहाँ पे कपड़ा मतलब एक बकेट एक बाल्टी दोस्तों आप अगर कपड़ा देते हैं मात्र और मात्र 60 रुपये आपसे लिया जाता है। तो दोस्तों इस सुविधा की एक खास बात ये भी है। और बाकी यहाँ पे वाशरूम वगैरह खैर यूज ही कर सकते हैं। और अभी दोस्तों मैं जिस एरिया में हूँ ये कहते हैं कुरजा का एरिया है। और अगर सामने की तरफ हमारे देखेंगे इस साइड दोस्तों, ये जो सारी घरें आपको दिख रही हैं ये पूरी की पूरी घरें दोस्तों पहाड़ पर बनी हुई घरें हैं। यहाँ के पटरियों के किनारे जाने वाले हैं और वहाँ की कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। तो चलने के बाद दोस्तों फिलहाल हम वहीं पे दिखाएंगे। और ये कुरजा का दोस्तों पूरा पहाड़ी एरिया है, किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के हर उन एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का रूम रेंट कितना है। भाई यहाँ की रूम रेंट की अगर मैं बात करूँ ना, पहाड़ में भी दोस्तों जैसे होता क्या है, जितना नीचे रहेंगे उतना महंगा है दोस्तों, जितना नीचे रूम लेंगे उतना महंगा है, जितना पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना महंगा होते जाएगा। और जो मिनिमम किराया नीचे की साइड में है दोस्तों ना, वो 6,000-7,000 इस तरह से इधर का रूम रेंट है। भाई मैं इसी पहाड़ की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ का रूम रेंट वगैरह होता है। भाई मैं खैर मैं इधर ही रहता हूँ तो मुझे इस बात का पूरा अच्छे तरीके से अनुभव है। लेकिन फाइनली दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं पटरियों के किनारे, वहाँ पे है ना कुछ चीज़ें हम आज ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि आज ना वहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे शेविंग करा के। वैसे आप कहेंगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, शेविंग तो हम कहीं भी करवा लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों वहाँ का जो शेविंग का एक्सपीरियंस होगा ना वहीं चल के हम आपको दिखाएंगे, वो पूरा का पूरा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से पटरियों के किनारे का, तो जब दोस्तों थोड़ा सा दूर पे है हमारे रूम से। वैसे अमूमन मैं क्या है कि इधर पहाड़ी की तरफ ही रहता हूँ, नीचे ऊपर के साइड में मिला जुला के रह जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं प्रॉपरली यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मेरा कभी मैं कहीं और रहता हूँ कभी कहीं और रहता हूँ, जहाँ मिल जाता है उसी के साथ रह। तो हम फटाफट दोस्तों चलते हैं अभी पटरियों के किनारे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भाई बहुत सारा फैमिली रहता है। और भाई जब अभी एक बंदा मुझे मिला था, मैं उससे इसे बात करने जाएगा, मैं कहा भाई आप इधर रहते हैं आपको कैसा लगता है। कहा भाई जब इधर से ट्रेन गुजरती है ना तो घर ऐसे ऐसे हिलती है। मैं कहा सही में ऐसा होता है? कहा हाँ भाई सही में होता है। उस बंदे का मैं साथ वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन अगर शूट किया होता दोस्तों मैं वो वीडियो आपको ज़रूर दिखाता, आप भी देखते तो आप भी कहते वाह भाई ऐसा भी होता है। असल में होता है क्या दोस्तों, वो घरें जो होती हैं लकड़ी वगैरह की बनी रहती हैं, सामने की तरफ से पूरा पत्रा जगह होता है। आपको मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछले वीडियोज़ में होंगी पटरियों के किनारे की जाए उसको जाके आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने दिखाया। लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई थी, ये चीज़ें मुझे नहीं पता चलिए तो फिर मैंने आपको बताया। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पटरियों के किनारे आ चुके हैं। सामने की तरफ अगर एक बंदा आप देख रहे होंगे दोस्तों, अभी वो नाले के जस्ट एकदम किनारे खड़ा है और इस कचरे में से ना तो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है कि उसके कुछ ज़रूरी के सामान मिल सके। जैसे कि दोस्तों आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं भाई, वो क्या करते हैं ना इस कचरे में, जैसे दोस्तों प्लास्टिक का कुछ हम वेस्ट वगैरह फेंकते हैं तो वो उसको लेते हैं और लेने के बाद उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उनका कुछ खर्चा पानी चल जाता है। लेकिन इस तरह के लोग दोस्तों मैं अक्सर मैंने नोटिस किया है ना कि ये बेचते हैं और कुछ अलग अलग टाइप का नशा करते हैं। भाई मुंबई में नशा भी बहुत वैरायटी का होता है, अगर आप कहेंगे ना तो सारी वैरायटीज़ का मैं वीडियो ही एक बना दूंगा। मतलब कहते हैं बटन का नशा होता है और इसके बाद कुछ सोल्यूशन वगैरह सूंघते हैं वो होता है, बाकी दारू बियर ये सारी चीज़ें खैर होती हैं और कुछ वाइटनर वगैरह भी दोस्तों वो सूंघते हैं। पता नहीं यार ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी पटरियों की तरफ आ गया हूँ, इस तरह से अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। इधर देख सकते हैं पूरा नाला है,
इधर पूरी घरें हैं इस तरह से देखिए, इधर पूरा दोस्तों घर है, इधर पूरा नाला है और यही जस्ट सामने एक दुकान भी है। तो फाइनली दोस्तों हम पटरियों के किनारे आ चुके हैं। पटरियों पे आते ही आपको यहाँ पे बकरी वगैरह मतलब जानवर वगैरह भी घूमते हुए दिख रहे हैं। अब हम उन भाई साहब को खोजते हैं जिनसे मैं सेविंग कराने वाला हूँ इन पटरियों पे बैठ के। तो फाइनली दोस्तों अभी हम फिर से उस पटरियों पे आ चुके हैं जिसका वीडियो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कई बार यहाँ पे बनाया है, लेकिन फाइनली दोस्तों मैं इस बार आया हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अभी खोज रहा हूँ एक नाव साहब को, अगर वो मिल जाएंगे ना तो आज मैं इन पटरियों पे बैठ के कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों अगर वो मिलते हैं ना वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ अभी आपको। लेकिन दोस्तों अभी मुझे ये लग रहा है कि इन पटरियों पे बड़े ज़ोरों शोर से काम हो रहा है, इस तरह से इन पटरियों का जो गिट्टी वगैरह है उसको साइड किया जा रहा है। देख सकते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं। अरे यार, तो मैं जब पिछली बार आया था दोस्तों तो मैंने जो चीज़ देखा था यहाँ पर इन पटरियों पर बच्चे वगैरह खेल रहे थे, लेकिन अभी ये गिट्टी वगैरह अगर हटा देंगे तब ये तो थोड़ा और ख़तरनाक हो जाएगा। यहाँ पर फिर बच्चे वगैरह कैसे खेलेंगे। मैं जब पिछले टाइम आया था देखा था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दोस्तों इसी पटरियों पे बैठे थे, यहीं पे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, यहीं पे खेल रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन हो गया। जो बच्चे खेल रहे थे दोस्तों मैं उसका छोटा सा क्लिप आपको लगाऊंगा, इसी पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे इसी के ऊपर दोस्तों सारे बच्चे खेल रहे थे। और इस तरह से दोस्तों साइड साइड में यहाँ पे झोपड़ पट्टियाँ हैं जो कि मैं आपको फाइनली दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ की एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, जब इस पर से ट्रेनें जाती हैं ना, ये जो घरें आप देख रहे हैं ना भाई, डगर 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 हिलती हैं। तो एक बंदा यहाँ पे था वो मुझे बता रहा था भाई, जब मैं पिछली बार यहाँ पे रहता था मतलब एक बंदा मिला था दोस्तों, मैं बैठा था इसे ही बातों में उससे बात करने जा गया, भाई यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। कहा भाई यहाँ रात को काफ़ी मज़ा आता था। मैं कहा भाई ऐसा क्या। कहा भाई भूकंप की फील लेते थे हम रात को जब ट्रेनें जाती थी, तो क्या होता था कि जो पटरियाँ हैं ना दोस्तों, ये जो घरें वगैरह हैं ना, तो वो मतलब कहते हैं ना कंपन होने लग जाता है। आप तो पता ही दोस्तों, आप जब स्टेशन पे खड़े रहते हैं वो पत्थर की सारी चीज़ें बनी होती हैं, उस टाइम पे जब कंपन करने लगता है। बाकी तो ये देखते हैं दोस्तों इस तरह से लकड़ी वगैरह का बना है तो कंपन करना ही पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मुर्गी वगैरह कुछ बच्चे लोग दोस्तों यहाँ पे हैं अभी पढ़ने के लिए, हमें लग रहा है जा रहे हैं इस तरह से बैग वगैरह टांग के इस पटरियों से होते हुए। लेकिन अभी मुझे नाव साहब दोस्तों नहीं दिखे, मैं उनको खोज रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से नाव साहब को खोज रहा था कि मुझे कहीं पटरी पे मिल जाए तो मैं उनसे थोड़ा सा सेविंग वगैरह कराऊं और यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाना चाहता था स्पेशली दोस्तों इन पटरियों पे बैठ के। मतलब कहते नहीं दाढ़ी बाल बनवाने का, बाल तो फिलहाल नहीं बनवाता, सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी बनवाने का मेरा अपना प्लान था। अरे अरे भाई मुझे लग रहा कि ट्रेन आ रही है क्या, अभी हारन ऐसा मारा तो। लेकिन दोस्तों वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो अभी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे भाई वो अभी नहीं मिलेंगे आपको, वो शाम के टाइम आते हैं। तो मैं कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, तो फिर देखेंगे दोस्तों कभी और उनसे हम मिलेंगे। लेकिन जो इस पटरियों पे दोस्तों वो दाढ़ी बनाते हैं, जानते हो किस बात का हमें याद दे जाते हैं। अगर दोस्तों आप गांव से होंगे तो इस बात को काफ़ी अच्छे से रिलेट करते होंगे। अगर आप थोड़ा सा पिछले मतलब थोड़ा पुराने टाइम की बात है, जब होता क्या था कि हमारे यहाँ पर मतलब जजमान वाला सिस्टम होता था कि मतलब जैसे कि सबके घर पे मतलब नाव जजमान होते थे, धोर भी जजमान होते थे, मतलब वो आते थे अपना जो उनका एक्टिविटी होता था डेली एक्टिविटी, मतलब नाव आता था दाढ़ी बाज बनाता था मस्त दोस्तों, इसे ज़मीन पे बैठते थे और बनवाते थे दाढ़ी बाज। मतलब तब हमारे दाढ़ी बाज नहीं थे, हमारे पापा वगैरह उस टाइप बनवाते थे। और उसी टाइप से दोस्तों धोबी होता था, उसी टाइप का धरजी होता था, उसी टाइप के दोस्तों एक कहार होते थे जो कि पानी वगैरह भरते थे शादी वगैरह में। लेकिन होता है क्या दोस्तों, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती चली गई और फिर वो यजमानी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस
लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो फाइनली इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे खोज रहा था, लेकिन यार वो मुझे दिखे नहीं। तो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह का सीन्स है जो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर डेरियो पे भी पूरा भीड़ वगैरह है, लेकिन वो चीज़ तो मुझे नहीं दिखा दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करता हूँ, बैठ के दोस्तों यहाँ का ईरानी चाय पीता हूँ। और मुझे आगे दिख रहा है एक ईरानी होटल है। हाँ, ईरानी होटल बोल जाए तो दोस्तों मतलब ईरानी चाय होता है, वो चाय के ऊपर से ना अलग से मजाक डाल देते, वो हो जाता है ईरानी चाय। तो दोस्तों हम चलते हैं फटाफट ईरानी चाय ट्राई करते हैं। और नाव साहब तो दोस्तों हमें मिले नहीं, देखते हैं अगर किसी नेक्स्ट वीडियो में वो मिलते हैं। यहाँ की मैं एक्टिविटी दिखाऊँगा, मतलब दोस्तों अभी हम ले चुके हैं अपनी ये ईरानी चाय और टेस्ट करते हैं इन पटरियों पे बैठ के। इसका भी दोस्तों एक अपना ही एक्सपीरियंस है। उधर देख रहे हैं दोस्तों गन्ने का जूस भी बेच रहा है भाई इसी तरह से पटरियों पे। और बाकी ये घरें तो आप देख ही रहे हैं फिलहाल, इस तरह से यहाँ पे पूरी दोस्तों चारों तरफ से घरें बनी हैं। और यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े होटल्स भी हैं, बड़े मतलब वो दोस्तों नॉर्मल होटल हैं जहाँ पे हम जैसे गरीबों को खाना मिलता है, मतलब गरीब नहीं दोस्तों मतलब नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता खाना मिलता है, 20 रुपये में दोस्तों आप भरपेट नाश्ता कर सकते हैं। किसी एक वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम आपको चैलेंज करके दिखाएंगे कि हम यहाँ पे 100 रुपये में अपना दिन गुजारेंगे, और बाद में भी दोस्तों पैसा बच जाएगा और पेट भी सारा भरा रहेगा। ये चाय दोस्तों 7 रुपये की है, ईरानी चाय है स्पेशली। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे इसको पीने के लिए बैठा हूँ, काफ़ी देर से नाव साहब को खोज रहा था, वो मिल नहीं रहे हैं। अब उनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में खोजूंगा। पहले दोस्तों मैं यहाँ का चाय पी लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको आगे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं इन पटरियों पे घूम रहा था, तो ये जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे साइड साइड ना बहुत छोटे छोटे दोस्तों कपड़े के कारखाने वगैरह हैं। यहाँ पे स्पेशली दोस्तों कपड़े वगैरह की होता नहीं है जो बनाए जाते हैं दोस्तों, मतलब अभी देखिए यहाँ सामने आपको दिख रहा है एक स्टीम प्रेस वाला है। तो यहाँ पे नए कपड़े पुराने कपड़े दोस्तों सारे काम होते हैं, और यहाँ पे वाश वगैरह भी होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस पटरी पे ही होता है, ये सारा यहाँ पे का बिजनेस है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये जो कम पैसा कमाते हैं दोस्तों, अच्छा पैसा कमाते हैं। हाँ, जो यहाँ पे काम करने वाले होते हैं वो भी 18,000-20,000 रुपये दोस्तों कमा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लोग यहाँ पे काम वगैरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी मैं जो चीज़ें खोज रहा था वो मुझे मिला नहीं, लेकिन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में ना मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो इस पटरियों पे लोग रहते हैं इनका खाना पीना किस तरह से होता है, और यहाँ पर रहना कितना सस्ता कितना महंगा है दोस्तों। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये एक पूरा ब्लॉग चैलेंज टाइप का ब्लॉग करने वाले हैं कि यहाँ पे हम घूमेंगे, यहाँ पे हम दोस्तों मॉर्निंग से लेकर चाय का नाश्ता का खाना का सारी चीज़ें दोस्तों हम एक दिन पूरा का पूरा यहीं पे ट्राई करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरह का मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। तो फाइनली मैं अभी काफ़ी देर से जो चीज़ खोज रहा था वो मुझे दिखा नहीं, तो इस वजह से दोस्तों अब मैं यहाँ की पतली गलियों से होते हुए दोस्तों अब यहाँ के बाहर की तरफ चलता हूँ। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना इस तरह से जो पटरियों पर पूरे ये पटरी पूरी बिछी है, लेकिन दोस्तों साइड से ना पूरी पतली गली है, मतलब आप किसी भी गली के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब क्या है कि दोस्तों ना जो इधर आउट साइड में इतनी झोपड़पट्टियाँ बनी हुई ना, उसके बाद भी दोस्तों अंदर में काफ़ी मतलब झोपड़पट्टियाँ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी फैली हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम निकलते हैं जो किसी गली से बाहर की तरफ, बाकी दोस्तों हम आप यहाँ पे आएंगे किसी नेक्स्ट डे, वो सारी एक्टिविटी करेंगे दोस्तों सुबह से लेके शाम तक। यहाँ पे हम अपना टाइम एक्सपेंड करेंगे, चाय पियेंगे, बाल बनवाएंगे, खाएँगे पियेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 रुपये का वो चैलेंज हो और करके दिखाते हैं कि क्या हो सकता है 100 रुपये में, इस खास करके दोस्तों इन स्लम्स एरिया में, इस तरह से दोस्तों झोपड़पट्टी वाले एरिया में। और यहाँ का रूम वगैरह भी दोस्तों हम देखने की कोशिश करेंगे ऊपर जाके, जैसे कि अभी ये रूम देख रहे हैं ना इस तरह से दोस्तों, अभी मुझे देखिए ऊपर के साइड में ना बहुत सारे कारखाना वगैरह हैं। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ की हम पतली गलियों से होते हुए हम निकल पड़ते हैं दोस्तों अपने स्टेशन की तरफ, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।